हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज व्हेन ए वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट ए इंटरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एडोज चेंज एंड इट इज फेज। ऑप्शन ए पाई बाई टू, ऑप्शन बी इज शून्य, ऑप्शन सी पाई एंड ऑप्शन डी पाई बाई फोर। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपने पास क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ऑफ वेव, ये अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन है वो अपने पास यहाँ पे दो मीडियम के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट अपने को पूछा है कि जब अपने पास रेयर टू डेंसर मीडियम हो, ठीक है, यानी इस साइड जो है वो अपने पास क्या है, डेंसर मीडियम है, ये अपने पास क्या है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पे अपने पास क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है। तो अपने पास वेव जो आएगी उसमें अपने को पूछा है कि किस प्रकार से चेंजिंग है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो देखिए, अपने सपोज करते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास वेव आती है, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग जाए, यानी रेयर टू डेंसर जब अपने पास जाती है, तो यहाँ पे चेंजिंग होने वाली फाई जो है, या अपने कहें कि डेल्टा फाई फेज में जो चेंजिंग आएगी वो अपने पास कितनी आती है, 180 डिग्री पे आती है, क्योंकि डेंसर है वो एक हैवी मीडियम रहता है, जिसके कारण आने वाली जो वेव है वो कुछ इस प्रकार से रहे, तो ये क्या होगी, पूर्णतः 180 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड होगी और वापिस है वो कुछ इसी प्रकार से लौट जाती है, ठीक है। ये होता है अपने पास रेयर टू रिफ्लेक्ट, रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अपने इसका उल्टा देखें कि अपने पास डेंसर मीडियम हो, ठीक है, ये अपने पास क्या हो, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग अपने पास वेव है वो अपने को देखने को मिले, इस प्रकार से वेव हो, ठीक है, यहाँ पे अपने पास रेयर मीडियम हो, ये अपने पास डेंसर मीडियम हो, तो अपने पास जो रिफ्लेक्शन है डेल्टा फाई वो अपने पास क्या रहता है, शून्य रहता है, क्योंकि ये अपने पास क्या है, एक तरीके से लो मीडियम है, ठीक है। तो ये अपने पास दो दो जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें देखिए, अपने को रेयर टू डेंसर पूछा है, तो अपने रेयर टू डेंसर में बता देंगे कि जो रिफ्लेक्शन है वो अपने पास 180 डिग्री, 180 डिग्री को अपने क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो इस प्रकार अपने आंसर में मैच करने के लिए अपने बोल देंगे कि यहाँ पे होने वाला रिफ्लेक्शन जो है वो अपने को कितना देखने को मिलेगा, अपने कहें कि डेल्टा फाई है वो कितना मिलेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री को अपने पाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये अपने पास पाई जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।